दर्शकों, दी रतन टॉप के खास खबरी प्रोग्राम में मैं रतन सिंह राव आप सभी का स्वागत करता हूं। इस खबर को इग्नोर मत कीजिएगा, ये पूरे जिले के लिए आज तक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। आहोर तहसीलदार का जालोर आगमन तय हो चुका है, मिल सकती है नगर परिषद आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी। भूमाफियाओं द्वारा बेशकीमती जमीन हथियाने की चर्चा हुई आम। प्रिय दर्शकों, आपने बिल्कुल सही सुना, आहोर का एक बड़ा भूमाफिया और राजनीतिक दल का नेता अब जालोर शहर की ओर रुख इख्तियार कर चुका है। शहर भर में यह चर्चा आम बनी हुई है कि आहोर के इस नेताजी द्वारा तहसीलदार को अब जालोर में जड़े जमाने के लिए लगाया जा रहा है। दिरत्तन टॉप ने जब मामले की सच्चाई जाननी चाहिए तो एक बार की विश्वास ही नहीं हुआ कि शहर में इस प्रकार से भ्रष्टाचार की मजबूत हो गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शहर के रणछोड़ नगर क्षेत्र में आए खसरा नंबर 130, 3041, 3063, 3064, 3065, 3066 की भूमि शत्रु संपत्ति होने के बावजूद भी जफर खान वगैरह के नाम से सरकार के विरुद्ध हक खातेदारी घोषित कर दी गई है। इतना ही नहीं, इसकी अपील भूमिधारी तहसीलदार द्वारा अभी तक नहीं की गई है। अब आप जान चुके होंगे कि किस प्रकार से जिले के बड़े भूमाफिया सैकड़ों करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन हथियाने के लिए सिस्टम में सेंधमारी कर रहे हैं। यह खबर तमाम शहरवासियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर अब आप नहीं चेते तो अभी तक के लिए सिर्फ शत्रु संपत्ति की यह बेशकीमती जमीन इनकी नजरों में आई हुई है। क्या पता कल को आपका आशियाना ही अपना बताकर कब्जा ठोक दे। साथियों, शहर के रणछोड़ नगर क्षेत्र की इस 82 बीघा बेशकीमती जमीन पर, जिसे हम सरकारी संपत्ति समझ रहे हैं और जो हमारी सभी नगरवासियों की संयुक्त भूमि है, इसके लिए भूमाफियों द्वारा मौका देखकर इस निर्णय की पालना में म्यूटेशन भरने की तैयारियां भी पूर्ण की जा चुकी है। इतना ही नहीं, जानबूझकर निर्णय का समय 90 दिन पूर्ण किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आप इस पूरी खबर का सारांश समझ चुके होंगे कि आखिर किस लिए आहोर के तहसीलदार को जालोर की कुर्सी पर काबिज किया जा रहा है और उन्हें नगर परिषद के आयुक्त का भी अतिरिक्त भार सौंपा जा रहा है। मित्रों, मीडिया का धर्म है कि आप तक जनकल्याणकारी मुद्दे को गंभीरता पूर्वक रखा जाए। अब आपका यह फर्ज बनता है कि जालोर शहर को भूमाफियाओं की गिरफ्त से बचाने में आप कितनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।